साथियों, पिछले 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अपने जिस सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। देश की हर सफलता के पीछे भारत के लोगों की मेहनत है, भारत के लोगों का पसीना है। देश को आगे ले जाने के लिए हर भारतवासी ने जो संकल्प दिखाया है वो अद्वितीय है। ये भारत के लोग ही हैं जिन्होंने महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये भारत के ही लोग हैं जिनकी वजह से आज दुनिया कह रही है कि ये दशक भारत का दशक है, ये सदी भारत की सदी है। लेकिन भाइयों और बहनों, भारत की ये उपलब्धियां, भारत के लोगों की ये कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही है। 3 दिन पहले आपने ये देखा है, भारत को नया संसद भवन मिला है। आपने टीवी पर देखा, मैं आपसे पूछता हूं, ये नया संसद भवन आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश की शान बढ़ने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कांग्रेस और इसके जैसे कुछ दलों ने इस पर भी राजनीति का कीचड़ उछाला। कई कई पीढ़ियों के जीवन में ऐसे अवसर एक बार ही आते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस ने 60,000 श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावना और आकांक्षाओं का अपमान किया है। 60,000 मजदूरों के पसीने को उन्होंने लात मारी है। उनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके अहंकार से आगे आड़ा कैसे आ रहा है, अड़ा कैसे हुआ है। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनकी मनमानी चलने क्यों नहीं दे रहा। इनको गुस्सा इस बात का है कि गरीब का बेटा इनके भ्रष्टाचार पर, इनके परिवारवाद पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है।